हेलो सांग माने रेखा कोण बा लाइंस एंड एंगल्स रो एही वीडियो को तुम मानन को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे गोटिए रेखा भली समांतर रेखा गुड़ी कर गुणधर्म उपरे चर्चा करितिले। आज आमे एहा संबंधित किछि प्रश्नर समाधान करिबा। चलो आरंभ करिबा प्रथम प्रश्न रु। जदि एक तेरछा रेखा एही बळी दुईटी रेखा को प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणर गोटे युग्म तार सम विभाजित परस्पर समांतर हुए तो एठारे प्रमाण कर कि एही दुईटी रेखा परस्पर समांतर अटे। पिला माने एही उक्तिर सहायता रे एक चित्र तयारी करबा। तेरछा रेखा सी डी रेखा आर क्यू ओ टीएस रेखा को क्रमश बिंदु ए ओ बिंदु बी उपरे प्रतिच्छेद करुचि। रश्मि ए एम कोण आर ए बी रो समविभाजक अटे ओ रश्मि बी एन कोण टी बी डी रो समविभाजक अटे। एही उक्ति अनुसारे रश्मि ए एम ओ रश्मि बी एन समांतर अटे एवं आमको प्रमाण करिवार अछि कि रेखा आर क्यू सहित रेखा टीएस समांतर अटे। रश्मि ए एम कोण आर ए बी रो समविभाजक अटे बा आमे कोण एम ए बी को एही प्रकार लेखि परिबा एवं एही प्रकार आमे कोण एन बी डी को मध्य एही प्रकार लेखि परिबा। कारण रश्मि बी एन कोण टी बी डी रो समविभाजक अटे। रश्मि ए एम ओ रश्मि बी एन समांतर अटे एवं सी डी तेरछा रेखा अटे। एठारे संगत कोण अभिगृहित बा करेस्पोंडिंग एंगल्स ऑक्सियम रो व्यवहार करी आमे एहा कही पारिबा कि कोण एम ए बी ओ कोण एन बी डी समान अटे। जदि समीकरण तीन रे आमे समीकरण एक ओ दुई रो मान प्रतिस्थापना करिबा तेबे आमे एहा को एही प्रकार लिखि पारिबा। एबे कोण आर ए बी ओ कोण टी बी डी समान अटे किंतु तेरछा रेखा सी डी आउ थरे रेखा आर क्यू ओ रेखा टी एस सहित तयारी होइथिबा संगत कोण अटे एवं समान मध्ये अटे। तेणु संगत कोण अभिगृहित विलोम को व्यवहार करी आमे कहि पारिबा कि रेखा आर क्यू ओ रेखा टी एस समांतर अटे। चलो एहा परर प्रश्न को देखिबा। चित्रे रेखा ए बी सहित रेखा सी डी समांतर अटे एवं सी डी रेखा सहित ई एफ समांतर अटे। कोण बी पी क्यू समान 60 भाग अटे। ताहले एक्स ओ वाई रो मान बाहर कर एवं देखाओ रेखा ए बी रेखा सी डी ओ रेखा ई एफ परस्पर समांतर अटे। आमको दिया जाए छे कि रेखा ए बी सहित रेखा सी डी समांतर अटे। तेणु संगत कोणर अभिगृहित अनुसार कोण बी पी क्यू ओ कोण डी क्यू आर समान हेब एवं कोण बी पी क्यू र मान 110 भाग अछि। तेणु कोण डी क्यू आर र मान मध्य 110 भाग हेब। एठारे एक्स र मान 110 भाग मिलिला। रेखा सी डी रेखा ई एफ सहित समांतर अटे। संगत कोण अभिगृहित नियम बा करेस्पोंडिंग एंगल्स ऑक्सियम अनुसार कोण डी क्यू आर ओ कोण एफ आर एन समान हेब एवं आमे देखिले कि कोण डी क्यू आर र मान 110 भाग अछि। तेणु एफ आर एन कोणर मान मध्य 110 भाग हेब। एथिपई आमे कहि पारिबा कि वाई समान 110 भाग हेब। ध्यान दियो कोण बी पी क्यू समान कोण एफ आर एन एवं एही कोण द्वय संगत कोण अटे। तेणु संगत कोण विलोम कोण को ध्यान रे रखी आमे रेखा ए बी ओ रेखा ई एफ मध्य समांतर रेखा बोली कही परिबा। आमको दिया जाय छे कि रेखा ए बी ओ सी डी रेखा समांतर अटे। रेखा सी डी ओ रेखा ई एफ समांतर अटे। सही रेखा जहाँ गोटे रेखा भली परस्पर समांतर होता है सेठारे आमे मध्य एही प्रमेय को व्यवहार करी परिबा एवं एहा भी कही परिबा कि दुईटी रेखा परस्पर समांतर अटे। आग को जाई आउ गोटे प्रश्न देखिबा। चित्र रे जदि रेखा एक्स वाई ओ रेखा सी एस समांतर अटे कोण एक्स पी टी 60 भाग ओ कोण वाई पी आर 60 भाग अटे तेबे कोण ए कोण बी कोण एम ओ एन रो
मान बाहर कर पिला माने एही चित्र को ध्यान दे देखो कोण एक्स पी टी और कोण पी टी आर एकांतर कोण बा अल्टरनेट एंगल्स अटे तेणु एही दुई कोण समान हेबो आमको एठारे कोण एक्स पी टी र मान 60 भाग दिया जाइछि तेणु कोण पी टी आर बा ए कोणर मान मध्य 60 ही हेबो कोण एक्स पी टी कोण टी पी आर ओ कोण वाई पी आर एही तीनोटी कोणर जोगफल 180 भाग अटे काहेकि ना एहा रैखिक कोण एठारे आमको कोण एक्स पी टी ओ कोण वाई पी आर रो मान दिया जाइछि एठारे आमे एही प्रकार समाधान करी बी रो मान बाहर करी पारिबा आमे एठारे बी रो मान 60 भाग पाइले कोण वाई पी आर ओ पी आर एस तेरछा रेखार गोटे पार्श्वरे तयारी अंतर्गत कोण बा को इंटीरियर एंगल्स अटे तेणु एही दुईटीर जोगफल 180 भाग हेब आमको कोण वाई पी आर र मान जणा अछि एवं कोण पी आर एस एम अटे एहाकु आमे एही प्रकार लेखि एहार मान बाहर करिपारिबा आमको एम र मान 120 भाग मिलिला एही चित्र को ध्यान देई देखो कोण क्यू पी वाई ओ पी टी आर कोण संगत कोण अटे अर्थात ए ओ एन संगत कोण अटे एवं ए र मान 60 भाग अटे तेणु एन र मान मध्य 60 भाग हेबो पिला माने एही अध्याय रे बस एतिकि आज आमे गोटिए रेखा समांतर रेखा गुडीकर गुणधर्म संबंधित किछि प्रश्नर समाधान कले आगामी अध्याय रे देखा हेबो धन्यवाद।